अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू देने जा रही हूँ। प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चंद प्लांट्स आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत अच्छे हैं और जो सामने की तरफ यहाँ रखे हुए हैं। बाकी प्लांट्स मेरे बैक की तरफ, जो छोटा सा गार्डन मैंने एक और बनाया हुआ है वहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस तरफ से जो हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ से। तो यहाँ देखें, मेरे पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जो सब बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये हिबिस्कस का है जो चूँकि सनलाइट नहीं आती है डायरेक्ट हमारे घर से 12 घंटे की, और इस वक्त शाम के बज रहे हैं तकरीबन 4:30, और देखिए बस इतने देर के लिए यहाँ पर आती है, तो इससे इतने फ्लावर नहीं हो रही है। ये देखिए, ये है, बहुत ही बड़ा हो गया है मेरा पेंसिल कैक्टस जो कि बहुत ही अच्छा रहा, और इसके बहुत सारे मैंने प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। एक बहुत अच्छा प्लांट है, और देखिए लगा है एक छोटे से 8 इंच के पॉट के अंदर। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी प्लांट्स हैं, जिसमें कॉपर स्पून प्लांट भी है, और ये देखिए ये भी कैक्टस है, पेंसिल कैक्टस। यहाँ पर एंथमम है जिसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई है। यहाँ पर देखिए आप, अरेलिया का है। इसके अलावा बोगनविलिया से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर प्लांट्स हैं कुछ, देखिए पाम के प्लांट्स हैं, अगेव रखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पाम के हैं प्लांट। यहाँ पर है मेरा ये इमली का दरख्त जो कि बहुत माशाल्लाह से ये देखिए बड़ा हो गया है और बहुत अच्छा ऊपर तक जा रहा है। और साथ ही आप देखिए नवीना पाम, यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन, यहाँ पर लेमन ग्रास, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एस्पैरिगस फर्न की वाइन दिखाई देगी जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी आगे से आई हुई है। यहाँ देखिए बैम्बू पाम जो कि बहुत बड़ा हो गया है, जो लगा हुआ है 14-14 इंच के, 2 पॉट ही इसके अंदर लगा हुआ है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर ये देखिए आई हुई है हमारी वाइन जो कि बहुत अच्छी हो रही है, और ये लगी हुई है 1 16 इंच के पॉट के अंदर। यहाँ पर ये मेरा प्लांटर है जो कि बहुत पुराना है, जूस बॉक्स से मैंने बनाया था, जिसके अंदर लगा हुआ है ये देखिए अजवाइन लीफ का प्लांट। इसी के साथ अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर मेरे जितने भी कहेंगे और भी बहुत सारी जगहों पर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैंने हैंग किए हुए पर्पल हार्ट जो कि बहुत अच्छा इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पेंसिल कैक्टस है, इसके अलावा ये फॉक्स टेल फर्न है, यहाँ कुछ वाटर प्लांट रखे हुए हैं, यहाँ आपको सिंगोनियम दिखाई देगा, ग्रीन लिली है, कोलियस है, अगेव है, पीछे देखिए ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल है, यहाँ पर स्विस चीज वाइन माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इसके प्लांट मैंने लगाए। यहाँ पर कुछ फर्न रखे हुए हैं, साथ ही गुच्छा का प्लांट है, बीच में देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। इसके अलावा आप इधर आए तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे से रखे हुए हैं। ये देखिए स्पाइडर लिली, और ये श्रिम प्लांट जिसके अंदर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, ये देखिए, और इसकी मैंने कई कटिंग लगा दी है और कटिंग्स में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बीच में अगेव है, ये देखिए पिसोनिया का प्लांट है जो कि बहुत ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी प्रोवाइड करता है गार्डन को, और ये भी घर के बाहर जो लगा होता है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए फर्न है, और वहाँ देखिए आप हमारा ये टर्टल वाइन स्पाइडर प्लांट है। यहाँ पर आप ये देखिए ये वाइन जा रही है रेड कलर की, पोए का साग जिसे कहते हैं ये। और यहाँ पर आए तो ये इमली का प्लांट है, यहाँ पर ये मनी प्लांट रखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉट देखे हुए यहाँ से वहाँ तक रखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के प्लांट हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ कटिंग्स रख दी थी, इसकी वजह से देखिए इसमें कितनी अच्छी ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप नीचे आए तो नीचे भी आपको कोलियस दिखाई देंगे जो हमने सारे कटिंग से लगाए थे। देखिए अनिलिया के प्लांट्स हैं, फिलोडेंड्रॉन ये है, गेंदी का प्लांट है, सिंगोनियम भी यहाँ रखा हुआ है, कॉर्न प्लांट है, ये देखिए कॉर्न प्लांट है, सिंगोनियम पिंक वाला भी रखा हुआ है। आप ये देखिए ये मैंने शॉपर में लगाया हुआ है, खजूर का प्लांट डेट का जो है ये रखा हुआ है, स्विस चीज़ वाइन की मैंने कटिंग्स लगाई थी, देखिए ये रखी हुई हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर आप आए हैं तो कॉटन है, और यहाँ पर मनी प्लांट के लीव्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। लीव्स कैसे बढ़े हुए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, और इसकी ग्रोथ मेरे मनी प्लांट की बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला प्लांट दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ पर इमली का, यहाँ देखिए आप ड्रैगन प्लांट, ड्रैगन ट्री जो होता है, यहाँ पर देखिए, और ये देखें यहाँ पर रखा हुआ है मेरा फिलोडेंड्रॉन, और यहाँ पर चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट रखे हुए हैं, देखिए आप सारे। और यहाँ से अगर मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए जीजी प्लांट है, वो आप देखिए स्नेक प्लांट, ये है मनी प्लांट, और यहाँ आए तो आपको मदर ऑफ इंडिया का प्लांट, मदर ऑफ क्या कहते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, हमेशा मदर ऑफ इंडिया कहती हूँ, ये देखेंगे ये है यहाँ पर हमारे सारे डिफन बाकियाँ, यहाँ और फर्न रखे हैं, ये स्नेक प्लांट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट रखे हुए हैं, बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सीड के लिए एक स्टेम रखा हुआ है, यहाँ कुछ मैंने अभी कैक्टस रखे, कैक्टस ने पर काफ़ी इजाफा हो गए, काफ़ी बड़े बड़े हो गए, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ये स्नेक प्लांट के मैंने आपको लगाना सिखाए थे, देखिए ये दोनों यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट हैं, आप देखिए न्यूरोन पोथोज है, इसके अलावा ये देखें फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इतनी मुश्किल से मिला लेकिन मैंने देखा कि बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है, फिर पता नहीं क्यों नहीं मिलता कराची में। यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ भी फिलोडेंड्रॉन है, यहाँ देखिए आप एंजॉय पोथोस है, यहाँ पर कुछ मेरे अच्छे हुए हैं एरोहेड प्लांट, यहाँ है मनी प्लांट जो ऊपर तक चढ़ गया है, यहाँ देखिए, यहाँ देखें यूफोरबिया कोटेनिफोलिया का प्लांट है, पीछे भी प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर इस तरह से प्लांट रखे हैं। चलिए और कुछ प्लांट दिखाती हूँ आपको। ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइंस में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, एक में लाइट पर्पल रंग के आते हैं जो थोड़े से पिंकिश कलर के होते हैं, और एक देखिए इसमें ये आरे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। ये हैं मेरे लिली के प्लांट्स, जो कि घर में इतनी सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, और ये जो ऐसे इलाके में मैंने रखे हुए हैं ऐसे पोर्शन में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं और इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत हल्की आती है, तो मैं शिफ्टिंग करती रहती हूँ, कभी इनको यहाँ रखती हूँ और कभी मैं इनको फिर डायरेक्ट सनलाइट में जहाँ आधे घंटे की आती है वहाँ रखती हूँ। तो आज के लिए रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में, लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है ना। तो इसमें लिली के दो तरह के प्लांट हैं। ये हमारे घर का वो पोर्शन है बैग का जहाँ पर मैंने अपने सारे प्लांट्स जोड़ जोड़ कर रखे हुए हैं, जो कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं लिहाजा इनको मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैनेज का मतलब ये कि सेट नहीं कर सकती मैं इसको, इसीलिए इनको ऐसा रखा है। आज मैंने सफाई फाई की और इनकी काफ़ी ठीक ठाक किया, तो आप देखिए इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, और कैनरी लिली के प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं कैनरी लिली के वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट दिखाई देंगे, आपको इसमें चांदनी का प्लांट भी दिखाई देगा, ये देखिए चांदनी का प्लांट है, इसी में आपको ये दिखाई देगा स्नो बुश प्लांट, लेकिन उसमें स्नो गायब हो चुकी है, बहुत गर्मियाँ हो रही हैं इस वजह से। यहाँ पर आपको देखिए मदर ऑफ नहीं सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट ये भी है, यहाँ देखिए सीड्स जो मैंने ग्रो किए थे ये प्लांट भी हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्लावरिंग भी दिखाई देगी, अगर यहाँ आए तो आपको यहाँ पर भी बड़े बड़े कुछ प्लांट दिखाई देंगे। ये मेरा अनार का प्लांट है जो कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये है गोल्डन शावर प्लांट, देखिए इसमें अभी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग बात थी, मैंने कटिंग कर दी थी ना पता सकती। और यहाँ पर अगर आप आएँगे तो आप ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए सारे। तो आज मैंने यहाँ पर थोड़ी सफाई की इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखिए मेरा ये
आपको मैंने इस पर वीडियो भी डाली हुई है, ये कितना अच्छा हो रहा है। डबल्स बैक बोन, यहाँ पर भी आप देखें प्लांट्स कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बारिश बहुत हुई इसके से दीवारों के रंग झड़ चुके हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं है, हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, किसी दिन फिर मैं आपको यहाँ की कम्प्लीट आहिस्ता आहिस्ता वीडियो दिखाऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन से प्लांट है। कुछ प्लांट्स मैंने वेजिटेबल के लगाए हुए हैं जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, जैसे कि ये तुरई है, ये देखिए इसके अंदर हो गई है। खीरे के अंदर भी मैंने लगाए थे, ककड़ी है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए सीड एक साथ लगा दिए थे। मैंने आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए आपको एकदम निकलेंगे ना, लेकिन जाने बड़ा मजा आएगा। हालांकि ये जो पॉट में लगे हुए हैं और बीच में ये मैंगो चढ़ाना यहाँ पर नहीं चाह रही थी, लेकिन बीच में ये चढ़ गए और अभी मैं हटा भी नहीं सकी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इतने दिन से बारिश हुई तो उनमें इन्होंने हर प्लांट को पकड़ लिया आपने, लिहाजा मैं इनको हटाया नहीं है। सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।